वेलकम टू माई चैनल द कुक हाउस फ्रेंड्स। आज बनाएंगे हम हेल्दी मोमोज, वो भी आटे से। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस, तो आप लोग इस रेसिपी जरूर बनाएं। तो बनाना शुरू करते हैं अपने ये मोमोज। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें गाइस। हेल्दी मोमोज हमारे बन करके तैयार होंगे आज, तो चलिए फिर बनाते हैं। तो गाइस, मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। जो हम रोटियाँ बनाते हैं, हम वही आटा लिया, आज हम मैदे के लिए बनाएंगे। तो हेल्दी मोमोज बनने के लिए हमने ले लिया है ये गेहूं का आटा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे नमक 1 स्पून, तो कर लेंगे मिक्स इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे, जैसा हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट लगाएंगे, जैसे पूड़ियों के जैसा, इस तरीके से लगा करके तैयार कर लेंगे हम डो अपना। तो यह हमारा डो लग करके तैयार हो गया, कितना अच्छा। तो इसे रख देते हैं रेस्ट के लिए, रख करके साइड में। तो गाइस, यहाँ बना लेते हैं हम चटनी मोमो की। तो इसमें ऐड कर देंगे हम 2 स्पून ऑयल, तो 1 स्पून ऐड कर देंगे हम जीरा। यहाँ ले रहे हैं अदरक लहसुन, तो इन्हें हल्का सा हम पका लेंगे। सूखी लाल मिर्च, तो इसमें ऐड करेंगे हम 2 टमाटर मीडियम साइज से काट कर ले लिए हमने। फिर ऐड कर देंगे हम नमक, थोड़ा सा ले रहे हैं हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे हम, धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम, पानी। इसे गल गए हमारे टमाटर अच्छे से, तो ढककर पका लेंगे 5 मिनट के लिए। तो यह चटनी हमारी गैस पक करके तैयार हो गई अच्छे से, तो अब कर लेंगे हम ठंडा। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, तो कर देते हैं गैस को बंद। तो गैस, जब तक हमारी चटनी ठंडी हो रही है, तो यह बना लेते हैं एक मेयोनीज। उसके लिए चाहिए हमें 1 आलू, तो इसको हम तोड़ के ले लेंगे। तो यहाँ ले रहे हैं गैस हम दूध की मलाई, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें ऐड कर देंगे हम नमक, और ले रहे हैं हम गैस ठंडा दूध। तो अभी हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे इसमें, तो 1 कप दूध है, 1/2 कप हमने ले लिया है इसमें। तो पीस करके तैयार कर लेते हैं हम चटनी को। उसमें ऐड कर देंगे हम चीनी, तो हम वापस से एक बार और पीसेंगे। तो देखिए गैस, हमारी मेयोनीज बनकर तैयार है। टेक्सचर कितना अच्छे से बनी है, जिस तरीके से आप लोग बना करके तैयार कर ले, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ये मोमोज के साथ। तो हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ हमारी चटनी भी ठंडी हो गई है, तो इसको हम पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यह हमारी चटनी भी बनकर के तैयार है गैस। तो गैस, हमारी चटनी और मेयोनीज दोनों बनकर तैयार है, तो कर लेते हैं अब स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम रख दिया कढ़ाई गर्म करने के लिए, तो इसमें लगा देंगे हम ऑयल 2 स्पून। तो का ऑयल हो गया हमारा गर्म, इसमें ऐड कर देंगे हम 1 स्पून जीरा, और ले रहे हैं हमें अदरक लहसुन, और थोड़ा हल्का से इनको पका लेंगे। तो इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कैप्सिकम, क्योंकि बारीक करके काट भी काट लिया है हमने इसको। अब ऐड कर देंगे अपने ये कैरेट, इसको भी हमने काट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है ना। अब ले रहे हैं हम यहाँ पत्ता गोभी, इसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है। तो सभी चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स। तो हमें 5 मिनट तक इस तरीके से पकाना है, इसे हाई हीट फ्लेम पर। तो देखिए गाइस, कितने बढ़िया लग रही है हमारी स्टफिंग, कलरफुल रंगी रंगी, बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। अभी तो हमें कुछ डाला भी नहीं है इसमें। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम काली मिर्च पाउडर 1 स्पून, तो इसमें ऐड कर देंगे हम 1 स्पून सोया सॉस। तो कर लेंगे मिक्स इस तरीके से चलाते हुए। और कर देते हैं हम गैस को बंद। तो गैस, अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, कि नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था इसमें, क्योंकि ये पानी छोड़ दिया था अपना। तो स्टफिंग हमारी हल्की से ठंडी हो गई है, तो कर लेंगे हम मिक्स सारा नमक इसमें अच्छी तरीके से।
तो यहाँ गैस हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है, तो बना लेते हैं अपने मोमो। तो गैस बना लेते हैं मोमो। तो लेते हैं अपना आटा इस तरीके से, छोटी छोटी काट लेंगे हम लोइयाँ, इतनी बड़ी बड़ी इस तरीके से। तो यहाँ हमने गैस लोइयाँ काट कर तैयार कर ली हैं, तो अब इस तरीके से गोल गोल करके अब बेल लेंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा लेकर के इस तरीके से, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं वैसे ही पूड़ी बनाएंगे हम इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे बना करके हम सारी पूड़ी तैयार कर लेंगे, मतलब चार पांच तो बेल करके तैयार कर लेंगे पूड़ी। तो यहाँ गैस हमने इतनी पूड़ी बेल करके तैयार कर ली है, तो भर लेते हैं स्टफिंग। एक पूड़ी हटाएंगे हम इस तरीके से और एक स्पून इस तरीके से भर लेंगे हम। आप स्टफिंग अपने हिसाब से भर लें कम या ज़्यादा, तो इस तरीके से इसे दबाएंगे हम इस तरीके से, प्लेट डालेंगे एक साइड से इस तरीके से। और गैस मैदा के जो खाते हैं ना हम, उनसे भी टेस्ट लगता है, पहचान ही नहीं कर पाएंगे मैदे के हैं या ये आटे के हैं। तो हमारे हेल्दी मोमो इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएंगे, कितने अच्छे सेफ आई है। तो इस तरीके से हम सारे बना करके तैयार कर लेंगे मोमो। ऐसे ही हम और सेब गैस अपने हिसाब से कैसे भी दे सकते हैं, कि सेब तो हमारे कई तरीके की होती है मोमोज में। तो इस तरीके से ही हम दूसरा तैयार कर लेंगे। तो देखिए है ना आसान बनाना। तो गैस इतने हमारे मोमो बनकर तैयार हैं, तो हम इनको कर लेते हैं स्टीम। फाइव खा लेना। तो यहाँ रख दिया था हमने कुकर अपना गर्म करने के लिए, तो इस तरीके से कर देंगे हम सेट दोनों स्टैंड इस तरीके से और ढक देंगे हम करीब 10 मिनट के लिए। मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं मोमो हमारे। तो देखिए कितने बढ़िया स्टीम हो गए हैं, तो हमको दिखाते हैं पास से। देखिए लग रहे ना टमटम बढ़िया। तो देखिए गाइस हमारे मोमो कितने बढ़िया बने हैं, देखिए अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं गैस, आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो गैस हमारा ऑयल हो गया गरम, तो इनको हम सेक लेंगे इस तरीके, चलाते हुए इनको कर लेंगे फ्राई गोल्डन ब्राउन होने तक। बस बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके से। तो गैस जब तक हमारे मोमो फ्राई हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप जब तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि भी ये हेल्दी मोमो बना के तैयार करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस। तो मैदा ना खाने से अच्छा आप आटे के मोमो जरूर बनाएं इस रेसिपी को, और फिर बताएं कमेंट में आप लोगों के मोमो कैसे बने हैं इस तरीके से बना करके। तो देखिए हमारे मोमो हो गए फ्राई, इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो निकाल लेते हैं, तो गैस हमारे यहाँ मोमोज बनकर तैयार हैं। तो आज पीछे है इसके अंदर, तो देखिए फ्राई वाले भी दिखाती हूँ मैं आपको तोड़ करके। गैस थोड़ा भी गर्म है, तो देखिए है ना कितने बढ़िया से। तो भाई हमारे मोमोज बनकर तैयार हैं, तो हम तो जा रहे हैं खाने के लिए। तो आप लोग इस रेसिपी जल्दी से आटा मोमो हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें गाइस। तो मिलते हैं एक और ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।